आज से पहले इतनी उदास हमने तुम्हें कभी ना देखो। सो तो सही कह रही है बहना, उदासी को थोड़ो बहुत नहीं बहुत ज्यादा बड़ो कारण है। अरे हाँ, और हमें लग रही है तुम रोती रही हो, क्या बात है तुम्हें? मतलब पेट ही पेट रो रही है हम बहुत। अरे वो का है तुम्हारी आंखें बहुत, मतलब आंखें आंख नहीं काकू बहना, आंसू ही नहीं बंद होते हैं। आखिर हुआ क्या, खटपट गई क्या घर में? ना हमारी खटपट, देख देख ले कैसी बातें कर रही है जी। हमाओ जा देना से ब्याह बता देना से, आज तक कहूं ना खट न पट कछु नहीं भई है। अरे ना हमारी लड़ाई कभी होती ना। अच्छा हां तो बात बताओ, क्या बात है? देखो बहना, बात बात पैसे तो कुछ नहीं है लेकिन है बहुत कुछ। अरे वो क्या बात ऐसी है कि घर मैंने तो कोई बात बता दी नहीं, और जाने जो काम करो है बाको वो मालूम पड़ेगा, तो बाकी संग में हम चली जाएंगे। अरे एक बात बताओ, जो हमारे देवर थे ना, देवर देवर जो हमारे देवर थे उनको बदह गयो बहना। बदह गयो? हाँ, मर्डर कौने कर दियो बहना? जय नहीं बताऊंगा मैं, तो बताऊंगी हुआ क्या बात। अगर तू किसी से न कहे तो मैं तुमको बताऊं। एक बात बताओ, तुम्हारी बात हमने आज तक कौ से कही? ना सो तो नहीं कही। हमारे तुम्हारे गोने में कितनो फर्क है? ना ज्यादा ना है, तो महीना दो महीनों तो है ये। आज तक हमने तुम्हारी बात कौ से कही? सो तो तुमने नहीं कही, लेकिन एक बात मैं बताऊं तुम्हें जी। बात ना परिचित के यहां पे भोजन पाने के लिए गए, मां तो तुम चम्मच कटोरी चुरा ले, बताओ मैंने कौ से कुछ कही तुम्हारी? अच्छा एक बात मैं बताऊं, अगर तू किसी से न कहे तो जो हमारे देवर थे ना उनको बद द्वारिका धीश कन्हैया ने कर दियो। अरे जी जी, हिंदू धर्म और जे जे करम, जे जे करम कछु दिन ना होते के पे वाली वचन को लेके हम तो जाते ने कर जंग। अरे ओ काय, जो कालिया ऊपर से उकालो अंदर से उकालो जी, हमारे पूरी पतीली करिया है। अरे ओ काय, उन्ने कहा करो बे बोली बहना, चिंता ना करो। मुझे लग रहा है कि हमारे सर आए हुए हैं, श्री राम हरीश यादव जी, आभार आपका, धन्यवाद आपका। मतलब चुपचाप आए के बैठ गए जी, गड़बड़ है रही, और देख के अंगूठा से और मुंह छुपा रहे हो। बहुत बहुत आभार सर जी का, आशीर्वाद है आपका ही जो आपकी सेवा कर रही हूँ। बोली गोविंद भगवान की। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने घड़ा उठाया, वो अपने घर पर पहुंच गई, बेटे को बहू को खोलो चली। अब उन्ने पर घड़ा उठाओ पे अपने घर पर रखो पे, पड़ोसन के घर में घुस गई, जहां से बताई थी वो। अब पड़ोसन चला रही चकिया, बे बोली उन्ने कुंदी की बताई, गरीब है ना, गरीब है ना। बे बोली जी कौन है? अरे मैं हूँ। अरे चली आओ। वो अंदर आई, बोली कहा करी जीजी, चकिया चला रही हूँ। अरे चकिया चला रही? बोली हाँ। अरे जीजी तो को कहा बताऊ मैं? बोली कहा है गयो? अरे जीजी कल मैंने ध्यान नहीं दियो, नमक नहीं दियो, लाला स्कूल जा रहे हो, दाल अधवनी रखी है बिना नमक के, नमक होवे तो दे दे। वे बोली नमक रखो है, किचन में जा निकालिए, मेरे काम बहुत बड़ो है। अब भी बैठ गई भी चकिया चला रही। हाँ जीजी तुम्हें कुछ मालूम? बोले कहा तुम्हें कछु मालूम? बोले हमें तो कछु ना मालूम, तुम बताओ तुम्हें मालूम हो तो जवाब दो बहना, अगर तुम काउ से कहो ना है तो हम तुम्हें बताए। बे बोली देखो है बातें ऐसी करती है मानो कि बताओ, आज तक हमने तुम्हारी बात काउ से कही? बे बोली काउ से ना कही, तो जवाब दो ऐसी ना बताइए। बोली फिर तुम पे लल्ला की कसम खाओ। बे बोली मैं पे लल्ला चिंटू की कसम खा रही हूँ, काउ से कछु नहीं कहूंगी, बताओ क्या बात है? बे बोली बहना काउ से कही हो ना, मड़ी के चक्कर में द्वारकाधीश कन्हैया ने सत्राजित के छोटे भैया प्रशैन को वध कर दियो है। और जैसे ही ये कहा कि वध कर दियो है, बे बोली हाय राम, जो द्वारका में जे जी कर्म होने लगी, अबे नमक ले वे भूल गई, बे पे घर पे लौट गई, उन्ने पे चकिया छोड़ी वे पड़ोसन के घर में घुस गई। हमारा कहने का मतलब यह है कि सुबह से दोपहर नहीं आया,
सुबह से दोपहर नहीं हो पाया। द्वारिका के घर घर में ये चर्चाएं होने लगी कि मणि के चक्कर में द्वारिकाधीश कन्हैया ने प्रसन्न को वध कर दिया है। घर घर में चर्चाएं होने लगी। पप्पन भैया, अगर किसी चीज का प्रचार कराना हो तो दस भैयन से ना केवल एक मैया ते कह दियो, पीछे ते न्यो और कह दियो, जवात का उसे कहियो ना, फिर देखो कितनी जल्दी वायरल है रही है। एक कमी हमारी आपकी नहीं है। मैंने दूसरे दिन महाभारत की कथा में बताया था ना, युधिष्ठिर ने औरत जाति को श्राप दिया। उली भक्त वर्षल भगवान की।